बॉलीवुड का हर राज जो मचा दे टहलका, फिल्मी गॉसिप्स, सेलिब्रिटी गॉसिप्स और बॉलीवुड की गॉसिप्स, सारे मज़ेदार खबरें सुने यहाँ। सुपरस्टार सैफ अली खान काफ़ी समय से अपनी फिल्म आदिपुरुष को लेकर चर्चे में चल रहे हैं और इस समय उनको लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गौरतलब है कि इस फिल्म में सैफ अली खान एक नेगेटिव किरदार निभा रहे हैं और रावण के रोल में नज़र आने वाले हैं। हाल ही में सैफ अली खान ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद वो बुरी तरह से ट्रोल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं कि फिल्म आदिपुरुष से सैफ अली खान को बाहर कर देना चाहिए। दरअसल सैफ अली खान ने हाल ही में मुंबई मिरर से बात करते हुए कहा है कि इस तरह के राजा जो कि राक्षस है उसका किरदार निभाना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। क्रूरता की बात करें तो ये राजा इतना भी क्रूर नहीं है, इस रोल को काफ़ी मनोरंजक बनाने वाले हैं। सीता का अपहरण और राम के साथ हुए युद्ध की वजह को हम क्लियर करते हुए उनकी बहन के लिए बदले की भावना से जोड़कर दिखाने वाले हैं। रावण की बहन शूर्पणखा जिसकी नाक लक्ष्मण ने काट दी थी, सैफ अली खान का ये बयान काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसके बाद उनको ट्रोल किया जा रहा है। बता दें कि सैफ अली खान की इस फिल्म में लीड रोल में सुपरस्टार प्रभास नज़र आने वाले हैं जो कि राम के किरदार में नज़र आएंगे। इस फिल्म को ओम राउत बना रहे हैं और जब से इस फिल्म का ऐलान हुआ है ये काफ़ी सुर्खियों में चल रही है। बॉलीवुड लेटेस्ट फिल्मी खबरें और हर छोटे बड़े मनोरंजन समाचार आपको मिलेंगे मेरे चैनल में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।